कोई जॉब नहीं लग रही, ये आपके मेल से ही देख के पता चला। क्या करें कि जॉब लग जाए आपको बताऊंगी। जॉब नहीं लग रही है तो प्लीज़ ये उपाय करें। फ्राइडे को बाजार से एक नया ताला खरीदें। सैटरडे को सुबह नहा धोकर ताला ले जाकर मंदिर में रखें। हनुमान जी के आगे चढ़ाएं। ताला पहले खोल के नहीं चेक करना है, बस रख दें। आपको जॉब फट से मिल जाएगी। जॉब पाने के लिए एक और काम करें, इंटरनेट से सूर्य यंत्र डाउनलोड करें, उसे लैमिनेट करवा लें, इसे अपने घर में पूजा स्थान पर रखें या फिर ईस्ट में लगा दें। जिस दिन जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएं, उस दिन अपनी राइट पॉकेट में इसको फोल्ड कर रख जाएं और फिर नौकरी मिलने के चांसेस देखिए कैसे बढ़ते चले जाते हैं। आपके घर पर आपने इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ रखे हुए हैं? क्या आपको पता है ये इंस्ट्रूमेंट्स आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं? नहीं पता तो आपको बताऊंगी, लेकिन पहले बताती हूँ शुद्धियों के बारे में। शास्त्रों के हिसाब से हमारी ज़िंदगी में 10 तरीके की शुद्धियाँ प्यूरिफिकेशंस होती हैं जिससे हम फ़ायदा पा सकते हैं। पहली प्यूरिफिकेशन है शरीर की प्यूरिफिकेशन। इसके लिए अच्छे से नहाएं, डेली नहाएं और एक्सरसाइज करें। सेकेंड लेवल ऑफ प्योरिफिकेशन है सांस की, ब्रेथ की प्योरिफिकेशन। तो रोज़ प्राणायाम करें, ब्रेथ प्योरिफाई रहेगी। तीसरा लेवल है मन की शुद्धता पाने के लिए मन का प्योरिफिकेशन। सुबह शाम या रात सोने से पहले दिन में एक बार मेडिटेशन ज़रूर करें, सुबह के समय करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। चौथी प्योरिफिकेशन होती है बुद्धि की प्योरिफिकेशन। तो मेमोरी को शुद्ध करने के लिए मनन और चिंतन, लॉजिक और इलॉजिक की बात सोचें। सिक्स्थ लेवल है ईगो की प्योरिफिकेशन। तो जितना हो सके दूसरों की सेवा करें, खुद को अच्छा करने के लिए जितना हो सके मौन रहे। ऐसा संभव है तो दिन में कम से कम आधा घंटा बिल्कुल मौन रहें। एक शुद्धता है खाने की शुद्धता। खाना बनाते हुए और खाते हुए पॉजिटिव थॉट्स रखें। इसीलिए हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि सबके घर का अन्न नहीं खाए, पता नहीं कैसे लड़ाई झगड़े वाले वाइब्रेशन हो सकते हैं, पर जब खुद खाना बनाए तो ये है सीक्रेट। अब आपको बताती हूँ शॉर्टकट्स। आपका पैसा कैसे शुद्ध होगा? पैसा शुद्ध होगा दान से। आपकी भावनाएं शुद्ध होंगी प्यार से। तो जब आप दान करते हैं तो पैसा बढ़ता है, और जब आप प्यार करते हैं तो रिश्ते गहराते हैं। कहाँ रखें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और क्यों, ये जानते हैं। म्यूजिकल डिवाइसेस जैसे कि सीडी, आईपॉड, ये म्यूजिक से जुड़ी जो चीज़ें हैं, ये कहाँ रखें, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, ये जानते हैं। ईस्ट में अगर आप म्यूजिकल डिवाइसेस रखते हैं तो ये बेस्ट है, इससे करियर में ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ेंगे। साउथ ईस्ट में म्यूजिकल डिवाइसेस रखने से पैसे का गेन होगा, ये संभावनाएं बढ़ेंगी। साउथ वेस्ट में म्यूजिक में स्किल और परफॉर्मेंस बढ़ेगी अगर यहाँ पर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं तो। और वेस्ट में अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखते हैं तो आप में लर्निंग की स्किल्स बढ़ेंगी और फ्रेंड्स का सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। इसी तरीके से नॉर्थ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर रखते हैं तो आप अपने करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने को, इन संभावना को अट्रैक्ट करेंगे।